नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। देश के एक लोकसभा और 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों के लिए बीते 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। श्रीनगर लोकसभा सीट को छोड़कर 10 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना हुई। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत गई, वहीं राजस्थान में 9 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस को कुछ सांत्वना मिली, कांग्रेस ने यहाँ दोनों सीटें जीत ली हैं। दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर भाजपा अकाली गठबंधन के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने जीत दर्ज की। इस सीट पर कांग्रेस दूसरे और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। जिन सीटों पर वोटिंग हुई थी उसमें श्रीनगर की लोकसभा के अलावा दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा, कर्नाटक की नांजनगढ़ और गुंडलूपेट विधानसभा सीट, झारखंड की लिट्टीपारा, राजस्थान की धौलपुर, पश्चिम बंगाल की कंठी दक्षिण, मध्य प्रदेश की अटेर व बांधवगढ़, हिमाचल प्रदेश की भौरंज और असम की धेमई सीट शामिल है। वहीं श्रीनगर बड़गाम संसदीय सीट के उपचुनाव में सिर्फ 6.5% मतदान हुआ था, लेकिन उपचुनाव के लिए हुई हिंसा में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि कश्मीर में चुनावी हिंसा की अब तक की ये सबसे बड़ी घटना है और 13 अप्रैल को 38 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग करवाई गई। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।